फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आप देखेंगे मॉडल पेपर पार्ट 15। देखिए, इसका पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर और रूट में दिया है 1 प्लस साइन 2x। इसको हमें फाइंड आउट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है और 0 से पाई बाई 2 लिमिट है। तो देखिए, अगर हम 1 प्लस साइन 2x की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिखा हुआ 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन ने 1 प्लस साइन 2x। इस साइन 2x की हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इस 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस। कहीं ना कहीं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, रूट हटेगा, एक कट जाएगा। तो क्वेश्चन जो नया बनेगा वो हमारे पास वो होगा 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको हमें केवल इंटीग्रेट करना है। तो साइन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेट कितना होता है, माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स कितना होता है साइन एक्स, इस पे केवल लिमिट लगानी है हमें 0 से पाई बाई 2। जब पाई बाई 2 लिमिट इसमें रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ वैल्यू हमें मिल जाएगी क्या 1। जब 0 रखेंगे उस कंडीशन में क्या होगा, ये माइनस 1 मिल जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 और ये माइनस 1, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 2। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहा गया कि उस परवलय का नाभिलंब क्या होगा जिसकी जो नियता है वो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है और नाभि 3, -4 है। देखिए कैसे करेंगे इसको, नाभि दी गई है और हमें नियता दी गई है, पूछा नाभिलंब क्या है। तो देखिए, नियता एक लाइन होगी जो दी हुई है और नाभि कोई बिंदु होगा, और हमें पता है कि नाभि से जो नियता तक की दूरी होती है, नाभि से नियता तक की जो दूरी होगी वो अगर हम देखें तो वो 2a होती है, क्योंकि नाभि से नियता तक की दूरी क्या होती है 2a, क्योंकि नाभि से और शीर्ष तक की दूरी होती है जो a होती है, और शीर्ष से जो नाभि सॉरी नियता तक की दूरी होगी वो भी a होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि नियता और नाभि के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 2a। तो अब हम ये दूरी निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो हम इस पे डाले गए लंब की लंबाई निकाल लेते हैं इस रेखा पे, और हमें बिंदु कितने दिए गए, 3, -4। तो डाले गए लंब की लंबाई कितनी आ जाएगी, फॉर्मूला भाई 3 -4 और -2 डिवाइड बाई 1 + 1 यानी कि √2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना कैलकुलेट करने पर आएगा, ये -6, ये -6 हो जाएगा, और ये 3 माइनस करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा माइनस का 3 और डिवाइड बाई √2। तो ये तो डिस्टेंस आ गई और ये 2a आई है हमारी, -3/√2। लेकिन हमें क्या चाहिए थी, हमें 4 चाहिए, नाभिलंब चाहिए, नाभिलंब 4a होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें दोनों साइड, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 3√2 कह सकते हैं हम इसको, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं लंबाई है हमारी, डिस्टेंस है, तो ये कभी निगेटिव नहीं होगी, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है कि एक्स इज इक्वल टू 1 + a + a² ... इनफाइनाइट, और कहा गया है कि a हमेशा पॉजिटिव होगा और इसकी वैल्यू 1 से लेस होगी, ऐसा बोला है इसमें। इस तरीके से y इज इक्वल टू दिया है 1 + b + b² ... इनफाइनाइट, और b की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, तो 1 + ab + ab² ... की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, हम a की वैल्यू यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं 1/2, और b की भी कंसीडर कर लेते हैं 1/2। अब अगर हम इसका योगफल निकालें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अनंत पदों का योगफल लगा लेंगे, अनंत पदों का योगफल क्या होता था, a/(1 - r), a की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 1/2, तो कंप्लीट x की वैल्यू 2 आ जाएगी। सिमिलरली y की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी 2 आ जाएगी। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 1 + 1/ab, और a और b दोनों 1/2 लिए हैं, तो यहाँ पे 1/4 आएगा। अब इसका जैसे हम निकालें तो a यानी कि 1/(1 - 1/4), यानी कि कम्प्लीटली इसका जो योगफल आया है वो आएगा 4/3। तो अब हमें ये x a और b की वैल्यू रखने, यानी कि x और r 2 2 रखने पर जिस ऑप्शन में हमें 4/3 मिलेगा वो आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो देखिए, जैसे ही हम यहाँ 2 2 रखेंगे 4 हो जाएगा, और 2 2 4 - 1 यानी कि यहाँ से 4/3 हमें मिल रहा है, तो ये आंसर हमारा सही हो सकता है। आगे और देखते हैं, यहाँ पर 4 देखिए और यहाँ पे 2 2 4 और 1 5, तो ये गलत हो गया, हमें 3 चाहिए था नीचे, ऊपर 4, ये 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 मिलेगा, ये भी गलत है, और ये क्वेश्चन तो दोनों सेम लिखे हुए हैं शायद, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा, हमें लग रहा है गलत लिख गया है, लेकिन फिलहाल ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर दिया हुआ है। फोर्थ नंबर में क्या बोला गया है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यदि ए और बी के बीच का जो गुणोत्तर माध्य है,
ठीक है, यानी ज्योमेट्रिक मीन जो है वो है ए की पावर एन बी की पावर एन डिवाइड बाई ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन। ये गुणोत्तर माध्य दिया है ए और बी के बीच का, और हमें पता है कि ए और बी के बीच का गुणोत्तर माध्य जो होता है वो अंडर रूट ए बी होता है। अब हम यहाँ एन की वैल्यू निकाल ली, अब यहाँ पे देखिए अगर इसको हम सॉल्व करके एन की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हमारा कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा फिर, और हमें इतना टाइम नहीं मिलना है वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू रख के देखते जाएंगे किसके लिए रूट ए बी आ रहा है। तो एन की वैल्यू जैसे ही हम जीरो रखेंगे, ऊपर जीरो और ये जीरो, ए की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो होती है तो वन वैल्यू हो जाती है, तो वन प्लस वन टू आ जाएगी ऊपर। यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा ए की पावर माइनस वन, यहाँ हो जाएगा बी की पावर माइनस वन। तो ये देखेंगे तो ये आ जाएगा टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, जो कि हमें चाहिए नहीं था, हमें क्या चाहिए था रूट ए बी। तो एक जीरो नहीं होगा, वन रखें, जैसे हमने वन रखा तो यहाँ ऊपर ए प्लस बी मिल जाएगा और यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे टू मिल जाएगा। तो ये भी गलत है, ये तो समांतर माध्य में आ गए, हमें गुणोत्तर माध्य चाहिए था, तो वन भी गलत है। वन बाई टू रखा तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर ए की पावर वन बाई टू, यानी कि रूट ए प्लस रूट बी, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, ए की पावर वन बाई रूट ए, और यहाँ वन बाई रूट ए रूट बी। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, रूट ए बी आ जाएगा इस बार। तो आंसर हमारा सी सही है। इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सॉल्व नहीं करना है मतलब ये हम मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करें, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, उतना समय ही नहीं मिलना हमें वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फाइव में बोला गया है कि एफ प्लस जी वन, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफ प्लस जी और वन। अब देखिए ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एफ वन प्लस जी वन। अब एफ वन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स दिया है, तो मतलब है ई की पावर एक्स की जगह यहाँ पे ई की जगह वैल्यू रख लेंगे वन, जैसे रखेंगे तो ये ई की पावर वन आ जाएगा। एफ एक्स में एक्स की जगह वन रख लेंगे तो ये लॉग एक्स हो जाएगा, यानी कि लॉग वन हो गया। लॉग वन की वैल्यू किसी भी बेस पर क्या होती है, जीरो, तो ये जीरो हो गया और ई हमारा आंसर हो गया, तो आंसर हो जाएगा ई, ऑप्शन हमारा सी सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोला गया है कि बिंदु 3.4.5 की जेड एक्स से दूरी क्या होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये आता रहता है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको ये समझिएगा। अगर बिंदु आपको दिए गए हैं ए बी सी और आपसे कहा गया एक्स अक्ष से दूरी क्या है इसकी, कि एक्स अक्ष से दूरी क्या है, तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट भूल जाइए, डिस्टेंस हो जाएगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वाई एच से पूछी गई तो वाई वाला कोऑर्डिनेट भूल जाइए, डिस्टेंस होगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जेड एच से पूछी गई तो जेड वाला कोऑर्डिनेट भूल जाइए, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सारे कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं आप लिखते रहिए और क्वेश्चन इस पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। जितने भी हमने वीडियोज के जितने भी पार्ट दिए हैं सबको देख डालिए आप, कोई भी छूटने ना पाए। कहीं ना कहीं आप जब देख लेंगे और इसके बाद जब पेपर देने जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं नहीं सर ने जो कहा था आखिर वही मिला है हमें, ठीक है। तो इसमें हमें जेड से दूरी निकालनी, तो जेड वाला कोऑर्डिनेट आप भूल जाइए, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, तो आंसर हमारा हो जाएगा 5, यानी कि सी सही है। कह रहा समकोणीय उत्प्लवकीय की उत्केन्द्रता क्या होगी, बहुत ईजी, अभी एनडीए में ही क्वेश्चन आया था ये कि समकोणीय उत्प्लवकीय की उत्केन्द्रता क्या होती है। समकोणीय उत्प्लवकीय हमारा वो होता है जिसमें लघुगच और दीर्घच दोनों क्या होते हैं बराबर, सॉरी अनुप्रस्थ अक्ष और दीर्घच, ठीक है, कि दोनों बराबर होते हैं, तो उस कंडीशन में ये ए हो जाएगा। तो इसकी उत्केन्द्रता हमेशा कितनी होगी, √2, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि ए आई 0 0 i ए की पावर 16 का मान क्या होगा। तो ये आपको हम बताना चाहेंगे कि ए बराबर आपको कभी भी यहाँ पे लिखा हो ए बी सी, कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो कोई मैटर नहीं करता है, जीरो दिया हो, जीरो दिया, ये जीरो दिया, केवल डायगोनल में एलिमेंट लिखें और इसमें हम पावर ए की पावर एन निकालना चाहते हैं, तो कुछ भी नहीं, आप इसमें भी ए की पावर एन लगा दीजिए, बस कुछ भी नहीं करना है, सी की पावर एन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई की पावर 16, आई की पावर 16, तो आई की पावर 16 का मान 1 होगा क्योंकि आई की पावर 4 का मान 1 होता है, तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा, ये तो होगा नहीं, माइनस 1 दिया ये भी नहीं होगा, ये इसमें 1 दिया ये भी नहीं होगा, आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया एक्स अक्ष की दिक को जाएं क्या होंगी। तो देखिए हमने आपको पहले ही बताया है कि ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये जेड अक्ष होता है। अगर यहाँ पे कोई एक रेखा खींची हुई है ओपी, तो इसका जो एक्स अक्ष से जो इंक्लाइनेशन होता है ये अल्फा होता है, वाई से जो होता है वो बीटा होता है, और जेड से जो होता है वो गामा होती है। तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइन यानी कि दिक कोसाइन जो होती है वो एल बराबर होता है कॉस अल्फा, एम बराबर होता है कॉस बीटा, और एन बराबर होता है कॉस गामा। तो कहीं कहीं हमें एल एम एन बताने हैं यहाँ पे। तो जेड एच की जब बात करेंगे तो क्योंकि ये लाइन जो है वो जेड एच पे आ जाएगी, तो इसका जो जेड एच से झुकाव है वो जीरो हो जाएगा, तो ये वाला एंगल जीरो हो जाएगा,
और बाकी सारे 90-90 रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वैल्यू हो जाएगी 0, 0 और 1, क्योंकि जेड पे ही केवल 0 डिग्री का एंगल बनेगा, बाकी पे 90-90 का ही एंगल होगा। आंसर इसका होगा 0, 0, 1, आंसर हमारा सी सही है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन एक्स एच की दिक खोज जाए पूछी है भाई, इसमें जेड की नहीं पूछी गई है, तो ये नहीं होगा हमारा। एक्स एच भी पूछी गई है, एक्स एच की अगर पूछी गई तो एक्स पे जो एंगल बनेगा वो 0 होगा, बाकी जो 90-90 होंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, हमने जेड पढ़ लिया था उसको, आंसर होगा एक्स एच बोला है तो आंसर डी सही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि पहले वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई माइनस 4x माइनस 8 के शीर्ष क्या होंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला कि जो परवलय होता है वो कहीं ना कहीं शीर्ष से पास होता है, तो पहली चीज तो आप ऑप्शन रख के देख लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वही आंसर है, और या फिर आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। निकालेंगे कैसे, निकालने के लिए जो इक्वेशन दी है वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0, अब इसको आप क्या करें, पहले होल स्क्वायर बनाएं इसको, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए मैं यहाँ 4 ऐड करना पड़ेगा और ये 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब ये होल स्क्वायर बन गया वाई माइनस 2 का, अब ये -4 जब इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 12 हो जाएगा, और इन सबको जब उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4x+12। अब ये आ गया वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 कॉमन मिल गया तो x+3। अब देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ से इक्वल टू 0 करें तो -3 मिलेगा, और वाई को इक्वल टू 0 करें तो -2 मिलेगा, यही हमारा आंसर सही होगा। अब अगर यही ऑप्शन हम पुट करके देख लेते तो सीधे हमारा आंसर बी सही हो जाता, बाकी हमें चेक करने की सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने वैसे तो आप कर ही लेंगे, ऐसे भी बता दिया, जिनको नहीं आएगा वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे वीडियो का 15वां पार्ट। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।